हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्रार्थना करता हूँ कि आप कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, अब ये हैं इस साल के लास्ट का फल। अगर खाने हैं तो आ जाओ। और दोस्तों, पहुंच गए हम यहाँ ढकरी उड्यार के नीचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ है ढकरी उड्यार और हम नीचे हैं, कापड़ ढूंढ रहे हैं। और अभी तक मेरे पास इतनी होगी जो बबली के बाल्टी पकड़ रखी है। और यहाँ आ रखी है हमारे साथ, यहाँ बॉडी भी आ रखी है। अब बॉडी के जूते रेड रहे हैं, यहाँ घसा घस बॉडी के जूते इतने स्कीट हो रहे हैं ना यहाँ पे कि बॉडी यहाँ से बैठ रही है, ओ नीचे पहुँच जा रही है अपने आप। और हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घने जंगल के बीच, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लोकेशन है यहाँ पे। और ये है काफल का पेड़, लेकिन इसमें एक भी काफल नहीं है। तो चलते हैं हम इन जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों से आगे की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें घना जंगल आगे मिलता जा रहा है आगे। और दोस्तों, इन घने जंगलों में सबसे ज़्यादा डर रहता है बाघ और भालू का। बाघ और भालू का ज़्यादा खतरा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना घना जंगल, खतरनाक रास्ते। और आंसू यहाँ पे पस्त हो गया। और दोस्तों, यहाँ पे तोता की बहुत ही मीठी मधुर आवाज़ सुनने को मिल रही होगी आपको। तो यहाँ पे बिल्कुल शांत सा माहौल है। और ऐसे माहौल में रहने का ये मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल सुनसान एकांत माहौल और पक्षियों की चहचाहट के साथ में। और देखिए ये पक्षी कैसे डर गई यहाँ पे हमसे। हाँ अबे, ये कुप्पा तरन काफल। और ये बार बार मेरे से ये कि सवाल कर रहे हैं कि काफल कहाँ हैं, काफल कहाँ हैं। काफल के पेड़ तो इतने सारे हैं, लेकिन इनमें काफल नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे चल के हमें काफल मिलते हैं या नहीं। तो आप बने रहना मेरे साथ। और ऊपर से यहाँ पक्षियों की चहचहट सुनने को मिल रही है। और यहाँ से कोहरा लग गया है, बारिश आ सकती है। पिटली उपराई यहाँ ऊपर है। तो दोस्तों, जंगलों में जैसे कोई पीछे छूट जाता है या रास्ता भटक जाता है तो ये की जरिया होता है। अब तो खैर फोन हो गए, बट पहले पता क्या होता था, पहले सीटी बजाते थे तो दूसरे जो दूर होता था उसको संकेत मिल जाता था कि यहीं पर मतलब मेरे साथी हैं या मुझे इन तक पहुंचना है। और ये पीछे सीटी बजा बजा के परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल। मैं दीदी को रुक जा। और यहाँ पर आ चुकी है मेरी पूरी टीम का। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब। मिल गए यहाँ पे काफल। और यहाँ पे ये देखो, ये देखिए जॉन सेना का फैन, ये है छोटा जॉन सेना। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पेड़ों की पहचान करवाता हूँ। ये है बांज का पेड़। और ये है यहाँ पे काफल का पेड़,
कुछ इस तरह से होता है काफल के पेड़। तो ये पेड़ है चीड़ का, और यहाँ पे बॉडी भी निकाल ली। यहाँ काफल देखिए मेरी बॉडी यहाँ पे इस पेड़ को उखाड़ने वाली है, और ये पेड़ उखाड़ देगी शायद। बॉडी ने उस पे मार दिया झपका, और बॉडी ने बोला मेरे को दिखाओ। मैं इतना खतरनाक तरीके से निकालने पड़ते काफल। ये देखो काफल, ये देखो ये काफल। और दोस्तों पहुंच गए हम यहाँ हिमा खरक, और यहाँ पे मिला हमको चाचा जी बकरी के साथ में। ये हैं जंगली बकरियाँ, और ये चुग रही हैं यहाँ पे, और ये हैं कफलेर हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरी बार की बकरियाँ मिल गई यहाँ पे, जंगली बकरियाँ। कुछ नहीं हर जगह बोलियो। तो दोस्तों इतने घने जंगल में आती है यहाँ बकरियाँ चुगने के लिए। तो दोस्तों पहुँच चुके हम, गैस करो कहाँ पहुँचे हम, और ये आ गए हम ढकरू टियार। तो दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे जंगल के बीच में, और ये बहुत पता नहीं 4-5 हज़ार साल पहले से होंगे, बहुत बड़े पत्थर हैं। चलो आपको दिखाते हैं सामने जाकर, और ये है यहाँ, इसको कहते हैं ढकरू टियार। ये है बहुत बड़ा गुफा, बहुत बड़ा पत्थर है ये। बरसात के टाइम पर इसके अंदर, इस गुफा के अंदर थोड़ा भी पानी नहीं आता है, और यहाँ पे जो जंगल में आते हैं वो चाय बनाते हैं, आग जलाते हैं जैसे ठंड लगती है। तो आपको अंदर तक दिखाता हूँ, यहाँ गुफा बहुत ही तगड़ी है। और पहले हम यहाँ बहुत खेलते थे। ये देखिए इन पत्थरों पे टिका हुआ इतना बड़ा पत्थर। और इसी गुफा के सामने, ठीक सामने एक फिर है एक बहुत बड़ा पत्थर, और ये देखिए गुफा सामने से दिखा रहा हूँ आपको। और दोस्तों ये टिका है यहाँ इन बड़े 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 पत्थरों के ऊपर, और यहाँ से देखिए कितनी गहरी सुरंग बनी हुई है अंदर इस पत्थर की, इन पत्थरों के बीच में यहाँ पे किनगोड़ पके हुए हैं आजकल। और दादाजी कह रहे हैं यहाँ पे पहले का ज़माना बहुत अच्छा था और आज बेकार है। और पहले के ज़माने की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले के ज़माने में कम से कम एक ही गांव में 15-16 परिवारों में बकरियां पालते थे लोग, और गाय भैंस तो पालते ही थे। उनसे जंगल बिल्कुल भरा हुआ होता था, चारों तरफ लोग ही लोग रहते थे। अब गिने चुने इतने बड़े जंगल में दो ही बकरी चारक मिले हमें, और पूरा जंगल खाली पड़ा है। और इतने घने जंगल में इन लोगों को बहुत बार बाघ का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत ही रिक्सी काम है। तो दोस्तों इसको कहते हैं ढकरू टियार, और जैसे कि ये बारिश ज़्यादा हो जाती जंगलों में, जो लोग अपने गाय बकरियां चुगाने के लिए आते हैं वो इन पत्थरों के नीचे रुक जाते हैं जब तक बारिश बंद होती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये गुफा, और इन छोटे छोटे पत्थरों पर टिका इतना बड़ा पत्थर जिससे पूरी गुफा बनी हुई है अंदर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।